सो हे गाइस, स्वागत आपके एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को लेकर, यानी बीसीजी। आप लोग देखोगे बीसीजी को लेकर कुछ एक बातें चल रही थी अभी पीछे कि जो स्टॉक है वो डिलिस्ट होने वाला है, अनलिस्टेड हो जाएगा बहुत से इंडेक्स से। तो देखो भाई, खबरें आ रही थी 26 तारीख तक, आप लोगों को पता होगा अभी टाइम था, यहाँ पर NSE ने टाइम दिया गया था। देखो ऐसी नहीं है कि देखो भी एक आध इंडेक्स में हो, कुछ एक इंडेक्स से कंपनी को बाहर किया गया है भाई, समझे, कुछ एक इंडेक्स में ये जगह नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही इंडेक्स है बस, BSE में भी आप लोग देखोगे कई इंडेक्स होते हैं, NSE में भी आप लोग देखोगे कई इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, ठीक है, निफ्टी 500, निफ्टी 250, बहुत से इंडेक्स है, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है, एक आध इंडेक्स से कंपनी का जो अगर ये बाहर हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। इसको जेड श्रेणी में डाला गया है, जेड कैटेगरी में डाला गया है। जेड कैटेगरी जो कैटेगरी होती है उसमें क्यों डाला जाता है स्टॉक्स को, उसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि कंपनी अगर अपने रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं कर रही है, ठीक है, अपने कुछ एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं NSE BSE एक्सचेंजेस के भी, उनको अगर फॉलो ही नहीं करेगी तो भी उसके ऊपर तो कार्रवाई करेगी। तो यही एक बड़ा कारण है जेड कैटेगरी में डाला गया। और जेड कैटेगरी में जाने के बाद आप लोग देखोगे इसमें जो ना भी कुछ एक इंडेक्स है उससे बाहर हुआ है, न कि ये डिलीट हो जाएगा। सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ था डिलीट को लेकर बना हुआ था कि जो स्टॉक है वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट भाई ऐसे नहीं होता, पता कितने लोगों के पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, डिलीस्ट ऐसे नहीं होता है। तो डिलीस्ट के लिए भी बहुत कुछ चलता है, अभी इतना आसान नहीं कि भी एक दिन में ये हुआ और अगले दिन से डिलीस्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग होना बंद हो जाएगी। हाँ ये हो सकता है, ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए NSE है, BSE एक्सचेंजेस यहाँ पर एक्शन ले सकता है, ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग रोक सकता है अभी इसके थोड़े टाइम के लिए, ट्रेडिंग सस्पेंड कर सकता है क्योंकि भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं कर रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, Q2, Q3, Q4 तीनों के तीनों होल्ड रखे हुए हैं। क्योंकि देखो भाई पीछे इसके ऊपर जो आपने देखा होगा एक्शन लिया गया था SEBI की तरफ से, उसके बाद इसकी न्यू मैनेजमेंट आई है, प्योर न्यू मैनेजमेंट, और न्यू मैनेजमेंट को थोड़ा टाइम लग सकते हैं। इसने वैसे तो Q2 के कुछ एक आंकड़े जैसे रिवेन्यू को लेकर है, प्रॉफिट्स को लेकर है, वो डिस्क्लोज किए थे, लेकिन इन्होंने बोला अब तक जो ना भी ऑडिटेड नहीं है, ये हमारी जो ऑडिट टीम है इसका रिव्यू करेगी, ठीक, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सेकेंड थर्ड और फोर्थ तीनों क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे। तो ये आप लोग देखोगे भी कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बातें आ रही हैं, बोर्ड की तरफ से बातें आ रही हैं, लेकिन जैसे कोई अपडेट आएगी इसके ऊपर निकल कर आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और रही बात इसको डिलीट को लेकर, तो भाई अभी डिलीट का तो कोई मतलब ही नहीं है, हाँ कुछ एक इंडेक्स से बाहर हुए हैं और कुछ एक शेयर वहाँ पर इसके अंदर आए हैं। तो आप लोग देखोगे रीबैलेंस किया जाता है, जैसे कोई बड़ा निवेशक पोर्टफोलियो में रीबैलेंस करता है ना भाई, कहाँ से कोई शेयर बेच दिया, कोई न्यू एंट्री ले ली, थोड़े शेयर इसके बेच दिए, उसके जगह और न्यू एंट्री आ गई, तो इसी प्रकार से इनका भी रीबैलेंस होता है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो देखो भाई कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी, NSE ने कई निफ्टी सूचकांकों से जो है ब्राइटकॉम ग्रुप को, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को बाहर कर दिया। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को क्यों बाहर किया भाई, क्योंकि उज्जीवन जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये जो ना अभी मर्ज होने जा रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, इसलिए इसको जो ना भी आप लोग देखोगे बाहर किया गया है। दूसरी तरफ NSE के कई सूचकांक है, कई इंडेक्स हैं जहाँ से BSE को भी बाहर किया गया है भाई। यहाँ से देख सकते हो BCG को जो ना अभी निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, टोटल मार्केट कैप इंडेक्स, ठीक है, निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स से हटा दिया गया है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को भी आप लोग 250 जो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स और टोटल मार्केट इंडेक्स से जो ना भी बाहर रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा इसके जगह पर आप लोग देखोगे कोई न्यू कंपनी के शेयर न्यू कंपनी आ गई होगी भाई। तो यहाँ पर देखोगे ब्राइटकॉम ग्रुप जो बाहर हुआ इन दो तीन इंडेक्स से, टोटल मार्केट इंडेक्स, ठीक है, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स और उसके बाद 500 वैल्यू 15 इंडेक्स इससे हटाया गया है। तो इसके जगह पर सुप्रीम पेट्रोकेम ने जो ना भी यहाँ पर आप लोग देखोगे इसी जगह पर एंट्री लिया ब्राइटकॉम की जगह पर। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो IIFL है इसको जो ना भी आप लोग देखोगे निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से इनका रीबैलेंस हुआ है भाई, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो एक स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड स्टॉक में हमें दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है, और ये यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मूव स्टॉक में आते हुए नजर आया था, लेकिन स्टॉक नहीं सस्टेन कर पा रहा है भाई, इस ट्रेंड को आप लोग देखो नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। नीचे में फिर से जो स्टॉक है वो 13 रुपये 15 पैसे के आसपास का जो सपोर्ट है उस लेवल पर फिर से आ गया है, ठीक है, यहाँ पर देखते भी टिकता है नहीं टिकता है,
और बाकी इसके रिजल्ट आएंगे उसी कंडीशन में आप लोग देखोगे यहाँ पर फ्रेश एंट्री बन सकती है। लेकिन जो भाई पहले से यहाँ पर जिनकी एंट्री है, जिन्होंने खरीदारी की है, तो देखो भाई मौके बन सकते हैं कि स्टॉक से देखो आप लोग बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग बेच नहीं सकते या फिर खरीद नहीं सकते, ये हो रहा है स्टॉक में अभी भी। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना। और रही बात रिकवरी की, तो वो देखो भाई रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे ना भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है। और तीन रिजल्ट इसके होल्ड है, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। ठीक है, क्वार्टर फोर के अभी के टाइम आप लोग देखो डेट वगैरह भी अनाउंस नहीं हुई है, तो रिजल्ट्स होल्ड है। रिजल्ट जिस दिन आ जाएंगे उसके बाद आप लोग देखोगे क्लियर जो संदेश है वो आ जाएगा, अभी स्टॉक ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयारियां कर रहे हैं फिर नीचे की तरफ जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी का जो फोकस है वो रिजल्ट्स के ऊपर है, तो रिजल्ट्स के ऊपर आपका भी फोकस रहना चाहिए भाई। और वो देखो भाई मुझे तो क्या किसी को नहीं पता है, ठीक है, कि वो कब आएंगे। तो रिजल्ट्स आते ही कोई भी अपडेट आएगी उसके रिगार्डिंग वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और रही बात डिलीस्ट की, तो इतना आसान नहीं होता भी कंपनी को डिलीस्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।